नमस्कार, क्रांति ओडिशा में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के गांव में आकाशवाणी होती है। आगामी कुछ महीनों में बरसात नहीं होगी। गांव के किसान परेशान हो गए। सभी लोग खेती बाड़ी छोड़कर शहर की ओर रोजगार की तलाश में पलायन कर गए। रामदास खेत में हल चलाने लगता है। सारे गांव के लोग हंसते हैं। रामदास को पागल, मूर्ख और अनेक शब्दों से उसका उपहास मजाक बनाते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति ने रामदास से पूछा, भविष्यवाणी हुई है 12 महीने तक बरसात नहीं होगी तो तुम हल क्यों चला रहे हो? हल चलाने से क्या फायदा? जब पानी ही नहीं मिलेगा तो फसल कैसे उपजेगा? प्रश्न के उत्तर में रामदास ने बड़े ही शांत स्वभाव से जवाब दिया कि मैं इसलिए हल चला रहा हूँ कहीं 12 महीने में मैं खेती करना ना भूल जाऊं। यह जवाब सुनकर वृद्ध व्यक्ति वहां से चला गया। रामदास खेत में मेहनत करने में व्यस्त हो गया। रामदास की बात बादलों ने सुनी और कुछ देर बाद काली घटा घेर कर आए और बरसात शुरू हो गई। सभी लोगों को आश्चर्य हुआ कि भविष्यवाणी हुई थी 12 महीने बरसात नहीं होगी, फिर यह अचानक बरसात कैसे? किसी ने बादल को रोककर पूछा, भविष्यवाणी हुई थी कि 12 महीने बरसात नहीं होगी, फिर यह बरसात कैसे? इस पर बादल ने जवाब दिया कि मैं रामदास के शब्दों से प्रभावित हो गया और मुझे ऐसा लगा कि रामदास अपने कार्य को नहीं छोड़ रहा है। वह 12 महीने का इंतजार इसलिए नहीं कर रहा है कहीं वह खेती करना ना भूल जाए, इसलिए मैं भी बरस रहा हूँ कहीं 12 महीने में मैं बरसना ना भूल जाऊं। नैतिक शिक्षा, कार्य के प्रति लगन हो तो सभी कार्य पूरे होते हैं। भगवान भी उसी के साथ है जो अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करे। आकस्मिक बरसात रामदास की निष्ठा का फल था।